हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम लोग IIVS एग्जाम से संबंधित अति महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन और आंसर पढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, आप इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और तब परीक्षा देने के लिए जाइए। मैं आपको 10 वीडियो बताऊंगा, यदि आप 10 वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो मेरा दावा है कि आप 100% IIVS एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे और बैंक बीसी बन जाएंगे। तो चलिए, आज हम आपको पार्ट वन से 50 क्वेश्चंस बता रहा हूं जो काफी इंपॉर्टेंट होगा, फिर कल हम लोग देखेंगे पार्ट टू। तो चलिए, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, हमें अपनी बचतों को बैंक में रखना चाहिए क्योंकि, यानी हमें अपने बचत को बैंक में क्यों रखना चाहिए। ऑप्शन है, यह सुरक्षित है, दूसरा ब्याज मिलता है, तीसरा किसी भी समय निकाली जा सकती है, और चौथा उपरोक्त में से सभी। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी, क्योंकि यह सुरक्षित भी है, ब्याज भी मिलता है और किसी भी समय निकाली जा सकती है, अतः हमें अपनी बचत को बैंक में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बैंक इनके विरुद्ध ऋण नहीं देता है। बैंक किसके विरुद्ध ऋण नहीं देता है? ऑप्शन है, सोना के आभूषण, दूसरा भारतीय जीवन बीमा पॉलिसी, तीसरा लॉटरी टिकट और चौथा NSC। तो याद रहे, बैंक कभी लॉटरी टिकट के लिए लोन नहीं देता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में किस बैंक की शाखाएं सबसे अधिक है? भारत में किस बैंक की शाखा यानी ब्रांच सबसे ज्यादा है? ऑप्शन है, भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा पंजाब नेशनल बैंक और चौथा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो आपका आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI, इसका ब्रांच इंडिया में सबसे ज्यादा है। अगला क्वेश्चन, रुपए 100 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? यानी आपको बताना है कि 100 रुपए के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है। ऑप्शन है, प्रधानमंत्री, दूसरा वित्त मंत्री, तीसरा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको याद कर लेना है कि 100 रुपए के नोट पर हमेशा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का सिग्नेचर होता है, और तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। अगला क्वेश्चन, ATM पासवर्ड को रखना चाहिए। ATM पासवर्ड को आप कैसे रखेंगे? यहां ऑप्शन दिया गया है, व्यक्तिगत डायरी में, दूसरा कार्यालय की डायरी में, तीसरा याद रखना चाहिए, या चौथा उपरोक्त में से सभी। तो याद रहे, ATM पासवर्ड को कहीं लिखना नहीं चाहिए, या तो कार्यालय हो या कोई डायरी, इसे हमेशा याद रखना चाहिए। अतः आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला क्वेश्चन, ATM पासवर्ड केवल किसको बताना चाहिए? यानी ATM पासवर्ड किसको बताना चाहिए? ऑप्शन है, पति पत्नी, दूसरा आज्ञाकारी पुत्र, तीसरा आज्ञाकारी पुत्री और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रहे कि ATM का पासवर्ड कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए, अतः आपका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी को पासवर्ड नहीं बताना चाहिए, खुद याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसमें नामांकन किया जा सकता है? किसमें आप खाता खुलवा सकते हैं? यहां ऑप्शन दिया गया है, बैंक बचत खाता, दूसरा आवर्ती जमा खाता, तीसरा मियादी जमा खाता और चौथा उपरोक्त में से सभी। तो याद रहे, हम किसी में खाता अपना खुलवा सकते हैं, अपना नामांकन करा सकते हैं, और तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? ऑप्शन है, केसी चक्रवर्ती, दूसरा DK मित्तल, तीसरा रघुराम राजन, चौथा मोंटेक्सिन अहलुवालिया। यानी भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है, ये आपको बताना है। तो इस ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो रघुराम राजन है, रघुराम राजन है वर्तमान गवर्नर, लेकिन ये चेंज हो गए हैं, आप देख लेंगे इसको बढ़िया से, लेकिन ऑप्शन के अनुसार रघुराम राजन ही वर्तमान, इन सब में वर्तमान रघुराम राजन ही है। अगला, यह लोगो किसका है? यह लोगो किसका है जो यहां लोगो दिखाया गया है? आपको बताना है क्या चीज का यह लोगो है। ऑप्शन है, प्रधानमंत्री जनधन योजना, दूसरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा भारतीय रिजर्व बैंक और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रहे, यह क्या है, लोगो जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना का है, और तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन, बैंक में खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
बैंक में खाता खोलने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन 8 वर्ष, दूसरा 10 वर्ष, तीसरा 12 वर्ष और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रहे, खाता खोलने के लिए मिनिमम 10 वर्ष आयु होना चाहिए। अतः ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला क्वेश्चन है, बैंक किसके लिए ऋण नहीं देता है? बैंक निम्न में से किसके लिए ऋण नहीं देता है? ऑप्शन है फसल ऋण, दूसरा शिक्षा ऋण, तीसरा गृह ऋण, चौथा शराब और जुआ। तो याद रहे, जो बैंक है फसल ऋण भी देता है, शिक्षा ऋण भी देता है और गृह ऋण भी देता है, लेकिन शराब और जुआ के लिए ऋण नहीं देता है। और तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कभी शराब पीने के लिए बैंक लोन थोड़ी नहीं देगा, नहीं देता। अगला, केवाईसी का अर्थ है, यानी आपको बताना है केवाईसी का क्या अर्थ है। ऑप्शन है अपने ग्राहक को जानिए, दूसरा अपने चरित्र को पहचाने, तीसरा उपयुक्त दोनों और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रहे, केवाईसी का अर्थ होता है अपने ग्राहक को जानिए, अपने ग्राहक को जानिए। अतः ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला, साहूकारों से लिए गए ऋण। ऑप्शन दिए गए, ब्याज की दर बहुत अधिक होता है, कोई उचित लेखांकन नहीं होता है, तीसरा कोई पारदर्शिता नहीं होता है और चौथा उपरोक्त में से सभी। तो यह बिल्कुल सही है कि सब के सब सही है, क्योंकि यदि आप साहूकार से ऋण लेते हैं तो उसका ब्याज दर बहुत ज़्यादा होता है, दूसरा है कि उसका कोई लेखांकन नहीं होता है, तीसरा उसका पारदर्शिता नहीं होता है। अतः सब के सब सही है। अतः आप साहूकार से ऋण न लें, बैंक से ऋण लें। अगला, एटीएम का अभिप्राय है, एटीएम का मीनिंग क्या होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है एनी टाइम मनी, दूसरा महिंद्रा का ऑटो ट्रक, तीसरा ऑटोमेटिक टेलर मशीन और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। या ऑटोमेटेड अपने आप क्या करता है, पैसा देता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। अगला, समय से ऋणों को चुकौती के क्या परिणाम है? यदि आप समय से ऋण चुका देते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा? ऑप्शन दिया गया है अच्छी साख, कोई चिंता नहीं, भविष्य में आसानी से ऋण मिलेगा या उपरोक्त में से सभी। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। यदि आप समय से ऋण देंगे तभी आपको भविष्य में पुनः ऋण मिलेगा, कोई चिंता नहीं रहेगी और साख भी आपका अच्छा होगा। अतः उपरोक्त में सभी आपका आंसर सही है। अगला, ऋण देने में चूक करने का तात्पर्य है। यदि आप ऋण देने से चूक गए तो इसका क्या मतलब है? ऑप्शन है ऋण किस्त न देना, बुरी साख, अनधिकृत गतिविधियां या उपरोक्त में से कभी नहीं, कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऋण किस्त न देना, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है। यदि आप ऋण का किस्त नहीं दे रहे हैं, इसका अर्थ ऋण चुकाने में कोई चुक कर रहे हैं, कोई भूल कर रहे हैं, और तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। अतः किस्त समय पर जमा करें। अगला, जीवन बीमा का तात्पर्य है, जीवन बीमा का तात्पर्य है। ऑप्शन है मानव का बीमा, दूसरा मानव पशु का जीवन बीमा, तीसरा मशीन का बीमा या उपरोक्त में से सभी। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी, क्योंकि मनुष्य का भी बीमा होता है, मानव और पशु का भी बीमा होता है और मशीन का भी बीमा इंश्योरेंस कराया जाता है। अतः सबका इंश्योरेंस होगा, ठीक है। लेकिन आपको एक बात बताते चलें कि जब आप क्या कीजिएगा, IIVF के ऑफिशियल साइट पर जाइएगा तो जीवन बीमा का अर्थ वहाँ दिया है सिर्फ मानव का बीमा। लेकिन आप खुद सोचें कि जीवन बीमा मानव का बीमा तो होता ही है, लेकिन इंश्योरेंस पशु का भी होता है, मशीन का भी होता है। तो आप खुद से निर्णय लीजिए जीवन बीमा का सही तात्पर्य क्या है। मेरे अनुसार सभी होगा, ठीक है। अगला, सामान्य बीमा किस बारे में संबंधित है, सामान्य बीमा किस बारे से संबंधित है, यानी किसके बारे में संबंधित है सामान्य बीमा। ऑप्शन दिया गया आग, चोरी, सिंधमारी, उपरोक्त में से सभी। तो आपका आंसर होगा सभी, क्योंकि जो बीमा कराया जाता है आग से नष्ट हो जाने के बाद भी पैसा मिलता है, चोरी होने के बाद भी पैसा मिलेगा, सिंधमारी के बाद भी पैसा मिलेगा। अतः आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त में से सभी। अगला, आधार है, आधार क्या है? ऑप्शन दिया 12 अंक का कार्ड, दूसरा UIDAI द्वारा जारी पहचान पत्र, तीसरा दोनों और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद होगा कि यह 12 अंक का डिजिट होता है और तथा यह UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है। अतः आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला, ई और एफ का अभिप्राय है, ई और एफ का क्या अर्थ है? ऑप्शन है ईस्ट और साउथ जोन, दूसरा इजी और स्विफ्ट, तीसरा आइसर और सर्वाइवर, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप याद रहे ई और एस का अभिप्राय है, ई और एस का अभिप्राय है आइसर और सर्वाइवर,
आइसर और सर्वाइवर, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। अगला, मुद्रा नोटों पर लिखने के लिए कौन सा प्रतिबंध है, यानी मुद्रा नोट पर क्या नहीं लिखा जा सकता ही आपको बताना है। ऑप्शन है राजनीतिक संदेश, धार्मिक संदेश, व्यक्तिगत संदेश या उपरोक्त में सभी। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी, क्योंकि पैसा में कभी, पैसा के ऊपर कभी राजनीतिक संदेश नहीं लिख सकते हैं आप, ना ही धार्मिक संदेश लिख सकते हैं और ना ही कोई व्यक्तिगत संदेश लिख सकते हैं। और तो आपका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से सभी। पीपीएफ का मतलब है, पीपीएफ का क्या मतलब है? ऑप्शन है पेंशन प्लानिंग फंड, दूसरा पेंशन सुविधा वाले व्यक्ति, तीसरा सार्वजनिक भविष्य निधि, चौथा अस्थायी चिकित्सक फोरम। तो आपका आंसर होगा पीपीएफ का मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला, आरबीआई द्वारा जारी किए गए मुद्रा नोटों में सबसे अधिक मूल वर्ग है। यदि आप इस ऑप्शन के आंसर देखें तो आरबीआई द्वारा जारी सबसे अधिक मूल वर्ग का नोट 1000 का नोट है, लेकिन अभी यह नोट बंद हो गया है। अतः आपका आंसर होगा 2000 का नोट, सबसे अधिक मूल वर्ग का जो नोट है वह 2000 का नोट है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन अगर ऐसा हो तो आप 1000 ही मारेंगे, क्योंकि 1000 तो बंद हो गया अभी, इसलिए 2000 नोट देना अति आवश्यक है। अगला, एनआरआई का मतलब क्या है, एनआरआई का मतलब क्या है? ऑप्शन है गैर ग्रामीण व्यक्ति, दूसरा गैर ग्रामीण अप्रवासी, तीसरा अनिवासी भारतीय, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रहे एनआरआई का मतलब होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन यानी अनिवासी भारतीय, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। अगला, पैन का मतलब क्या है, पैन कार्ड जो है उसका क्या अर्थ है? ऑप्शन है एक प्रकार का बर्तन, प्राथमिक खाता संख्या, दूसरा अस्थाई खाता संख्या, तीसरा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रहे पैन कार्ड का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, परमानेंट अकाउंट नंबर। अगला, भारत के वर्तमान केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? ऑप्शन है श्री अरुण जेटली, दूसरा श्री राजनाथ सिंह, तीसरा श्री मनोहर पारिकर और चौथा निर्मला सीतारमन। तो अभी वर्तमान में केंद्रीय वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमन हैं, ठीक है, इनको याद कर लेंगे आप। अगला है, बैंक ऋण देता है, बैंक ऋण इन लोन किस लिए देता है, घर के लिए, कार के लिए, शिक्षा के लिए या सभी के लिए? तो आपका आंसर होगा सभी के लिए, क्योंकि बैंक से आप घर के लिए ले सकते हैं, कार के लिए ले सकते हैं, शिक्षा के लिए ले सकते हैं, यानी सभी के लिए आप ऋण ले सकते हैं। अगला, किस मुद्रा नोट में सुरक्षा धागा होता है, किस नोट में सुरक्षा का बीच में एक धागा लगा होता है? ऑप्शन है 50 रुपये का, दूसरा 100 रुपये का, तीसरा 500 रुपये का और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो याद रहे इन सभी, याद रहे सब में क्या होता है, सुरक्षा का एक धागा होता है, बीच में देखिएगा नोट के बीच में एक धागा सब बना होता है, जिसे सुरक्षा नोट कहा जाता, सुरक्षा धागा कहा जाता है, जो सब में होता है, ठीक है। अगला, पैसा रखने के लिए सबसे सुरक्षित जगह है, पैसा रखने के लिए सबसे सुरक्षित जगह क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन है जमीन में खोदा गया गड्ढा, एक लोहे का डिब्बा, बैंक या साहूकार। तो आंसर है सबसे सुरक्षित जगह बैंक है, बैंक है पैसा रखने का सबसे सेफ जगह। अगर सोने और चांदी के आभूषणों को बैंक लॉकर में रखना चाहिए, सोने और चांदी के आभूषण को बैंक लॉकर में रखना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन है यह सुरक्षित है, चोरी का कोई जोखिम नहीं होता, दोनों या उपरोक्त में से सभी। तो आपका आंसर होगा दोनों, क्योंकि बैंक में वह आभूषण सुरक्षित होता है और वहां चोरी होने का कोई खतरा नहीं होता है। अतः आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला, करेंसी नोट द्वारा जारी किए गए, द्वारा जारी किए जाते हैं, यानी आपको बताना है करेंसी नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन है आरबीआई, दूसरा नाबार्ड, तीसरा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, चौथा केंद्र सरकार। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आरबीआई के द्वारा करेंसी नोट जारी किया जाता है। अगला, सिक्के किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, आपको बताना है सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया है, यानी किया जाता है। ऑप्शन है भारत सरकार, दूसरा नाबार्ड, तीसरा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और चौथा भारतीय स्टेट बैंक। तो याद रहे जो सिक्का है वह हमेशा भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। अतः आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला, बैंक पासबुक, यानी आपको बताना है बैंक पासबुक जो है वो क्या है, बैंक द्वारा जारी किया गया है,
दूसरा, बैंक खाता का लेन देन विवरण शामिल उसमें होता है। तीसरा, खाते में बैलेंस दिखाता है, या उपरोक्त में से सभी। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी, क्योंकि यह जो पासबुक है बैंक ही जारी करता है, उसमें लेन देन का विवरण होता है और बैलेंस में दिखाता है, अतः उपरोक्त में से सभी सही है। अगला, बैंक किसके आधार पर ब्याज देता है? बैंक किसके आधार पर ब्याज देता है? जमा के आधार पर, ऋण के आधार पर, दोनों के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रहे, बैंक हमेशा जितना पैसा आप जमा करेंगे उसी के आधार पर ब्याज आपको देता है, यानी जमा के आधार पर बैंक आपको ब्याज देगा, ठीक है। अगला, बैंक किस पर ब्याज लेता है, यानी बैंक किस पर ब्याज लेता है? ऑप्शन है, जैसे जमा पर देता है, लेकिन लेता किस पर है? ऑप्शन है, जमाओं पर, ऋणों पर, दोनों पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जब आप बैंक से लोन लेंगे, ऋण लेंगे, तभी उस पर बैंक ब्याज आपसे लेगा, ठीक है। अगला है शिक्षा ऋण। शिक्षा ऋण क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है, ट्यूशन फी एवं खर्चों को कवर करना। दूसरा, कोर्स पूर्ण होने के बाद चुकौती योग्य। तीसरा, देश एवं विदेश में पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। तो आपका, और चौथा है, उपरोक्त में से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, क्योंकि जो शिक्षा ऋण लिया जाता है उसे फी, ट्यूशन फी पर खर्च कर सकते हैं, कोर्स पूरा होने के बाद उसे जमा कर सकते हैं, या विदेश या देश में जाकर आप पढ़ सकते हैं उस पैसे की सहायता से, ठीक है। अगला, व्यापार संवाददाता का मतलब है, बिजनेस कोरेस्पोंडेंट का क्या मतलब है ये बताना है। ऑप्शन है, एक एजेंट जो बैंकिंग सेवा प्रदान करता है। दूसरा, बिजनेस हाउस का एक एजेंट। तीसरा, एक प्रकार का साहूकार। चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक एजेंट जो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है उसे व्यापार संवाददाता कहा जाता है, यानी बिजनेस कोरेस्पोंडेंट कहा जाता है, ठीक है। अगला, इंटरनेट बैंकिंग से तात्पर्य है, इंटरनेट बैंकिंग का क्या मतलब है। ऑप्शन है, इंटरनेट के माध्यम से खाते का संचालन। दूसरा, एटीएम खाता। तीसरा, दोनों। चौथा, उपरोक्त में से सभी। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट, यहाँ इंटरनेट छोड़ दिया है, इंटरनेट के माध्यम से खाते का संचालन, इसे इंटरनेट बैंकिंग कहा जाता है, नेट के माध्यम से खाते का संचालन, ठीक है। अगला 39 क्वेश्चन है, एक बार किया गया नामांकन, यानी यदि आप कहीं बैंक में नामांकन करा लेते हैं तो क्या होगा? उसे रद्द किया जा सकता है, पहला रद्द नहीं किया जा सकता है, दूसरा रद्द किया जा सकता है, तीसरा बदला नहीं जा सकता है, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रद्द किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार खाता खुला लिए तो लाइफ टाइम हो गया, नहीं, उसे रद्द भी किया जा सकता है, ठीक है। अगला, बैंक खाता कौन खोल सकता है। ऑप्शन है, भारतीय नागरिक। दूसरा, अनिवासी भारतीय। तीसरा, अनपढ़। और चौथा, उपरोक्त में से सभी। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी, क्योंकि बैंक खाता अनपढ़ भी खोल सकता है, अनिवासी भारतीय भी खोल सकते हैं, और भारतीय भी खोल सकते हैं, अर्थ उपरोक्त में सभी सही है। अगला, पैन संख्या की आवश्यकता होती है, माने कितना पैसा आप जमा या निकासी करेंगे तो पैन संख्या लगेगा। ऑप्शन ए है, 50,000 से कम जमा करना। दूसरा, 1,00,000 से अधिक की जमा पर। तीसरा, 50,000 एवं अधिक की जमा पर। और चौथा, सभी लेन देन पर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 50,000 से अधिक के जमा पर बैंक पैन कार्ड का पैन नंबर मांगता है, ठीक है। अगला, टीडीएस का अभिप्राय है, टीडीएस का क्या मतलब है। ऑप्शन है, मियादी जमा योजना। दूसरा, सभी जमा योजना। तीसरा, स्रोत पर कर कटौती। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रहे, टीडीएस का मतलब होता है स्रोत पर कर कटौती, टीडीएस का मतलब होता है, ठीक है। अगला, अधिकतम राशि का चेक, माने अधिकतम कितने रुपए का चेक आप काट सकते हैं। ऑप्शन दिया है, 100 करोड़। दूसरा, कोई सीमा नहीं। तीसरा, 1 करोड़। चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसकी कोई सीमा नहीं है। ये आपके अकाउंट पर डिपेंड करता है कि आप कितने रुपए के चेक काटने के लायक हैं, अतः इसका कोई सीमा नहीं है। अगला, बैंक ड्राफ्ट द्वारा जारी किया जाता है, इन्हें आपको बताना है, बैंक ड्राफ्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है, निजी बैंक के द्वारा, निजी क्षेत्र के बैंक के द्वारा। दूसरा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा। तीसरा, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक द्वारा। और चौथा है, उपरोक्त में से सभी। तो याद रहे, जो बैंक ड्राफ्ट है वह सभी बैंक जारी करते हैं, ठीक है, निजी क्षेत्र के बैंक हो, क्षेत्रीय बैंक हो, या सार्वजनिक बैंक हो। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। अगला, स्वयं सहायता समूह में क्या होता है बताना है।
ऑप्शन एक है 5 से 20 लोगों का समूह होता है, दूसरा नियमित बचत आदत होती है, तीसरा समूह सदस्यों के अंतर्गत अंतर ऋण होता है, या चौथा उपरोक्त में से सभी। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। अगला, चेक का भुगतान किसके द्वारा रोका जा सकता है? चेक का भुगतान यदि आप चेक काट कर दिए तो कौन उसको रोक सकता है भजने से? याद दिया है ऑप्शन लाभार्थी, नामित व्यक्ति, चेक देने वाला व्यक्ति, या उपरोक्त में से सभी। तो याद रहे जो चेक देता है वही चेक का भुगतान रोक भी सकता है, रोक देगा, ठीक है। अगला, अकाउंट पे चेक का भुगतान किया जा सकता है, अकाउंट पे चेक का भुगतान किया जा सकता है। ऑप्शन है बैंक के कैश काउंटर पर, एटीएम में, बैंक खाता में जमा करके, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रहे अकाउंट पे जो खाता चेक होता है उसको आप अकाउंट में जमा करके ही निकाल सकते हैं पुनः, तो बैंक खाता में जमा करके आप उसे निकाल भुगतान कर सकते हैं, अतः ऑप्शन नंबर 3 सही है आपका। अगला, आवर्ती जमा में क्या होता है? ऑप्शन ए, हर महीने एक निश्चित राशि जमा की जाती है, दूसरा जमा की अवधि निश्चित अवधि है, तीसरा एफडीआर दर पर ब्याज का भुगतान किया जाता है, और चौथा उपरोक्त में से सभी। तो आपका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, नामांकन करते समय निम्नलिखित नामित के हस्ताक्षर किस पर लेने चाहिए, यानी खाता खुलवाते समय हमें हस्ताक्षर किस पर लेना चाहिए व्यक्ति का? ऑप्शन दिया है खाता खोलने वाला का फॉर्म पर, दूसरा है नामांकन फॉर्म पर, तीसरा शपथ पत्र पर, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। उसके लिए एक हस्ताक्षर के लिए एक अलग से पर्ची आता है, उसी पर्ची पर उसका साइन हमें ले लेना चाहिए, ठीक है। अगला, बचत बैंक जमा पर ब्याज का भुगतान किया जाता है, बचत बैंक जमा पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। ऑप्शन हर महीने, दूसरा त्रैमासिक, तीसरा अर्धवार्षिक, चौथा वार्षिक। तो आपका आंसर होगा अर्धवार्षिक। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हमने 50 क्वेश्चन पूरा कर दिया है, आप इन सारे क्वेश्चन को देखें, फिर हम लोग मिलते हैं पार्ट टू वीडियो में 50 क्वेश्चन के साथ। मैं आपको 10 वीडियो दूंगा, उन 10 वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, आपका IIBF का एग्जाम इजीली निकल जाएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।